नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बंदिशों ने खत्म की प्रेम कहानी, मौत ने मिलाया प्रेमिका की मौत से गमजदा, प्रेमी ने भी की खुदकुशी। CEO भरत पासवान ने बताया कि दोनों की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा। अभी तक किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अमावता में रविवार सुबह एक युवती ने दूसरी जगह शादी तय होने पर घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। इसकी जानकारी होने पर प्रेमी ने भी गांव के बाहर नहर के किनारे आम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अमावत निवासी महावीर की बेटी अंजू गांव के ही जन सहयोगी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर रही थी। पिता महावीर ने पुलिस को बताया कि उसके दो पुत्र प्रदीप व आदेश बाहर नौकरी करते हैं। वह घर पर पत्नी कुसुमा व बेटी अंजू के साथ रहते थे। प्रेमी की भी मौत होने की जानकारी पर रास्ते से लौटाया गया प्रेमी का शव। अंजू की मौत होने पर परिजनों ने लोक लाज के डर से पुलिस को बिना सूचना दिए शव को फंदे से उतार लिया और अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर सिकरोड़ी घाट की ओर निकल गए। तभी ग्रामीणों ने कन्हैया के भी आत्महत्या करने की जानकारी परिजनों को दी। इस पर परिजन आधे रास्ते से ही शव को घर लेकर आए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। छात्रा ने दी जान, दूसरे समुदाय के युवक ने इंस्टाग्राम पर डाला आपत्तिजनक वीडियो, आहत किशोरी ने की खाया जहर। बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र में 11वीं की छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी है। आरोपी की दूसरे समुदाय के युवक ने उसका आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। इस मामले में पुलिस आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है। बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ने वाले युवक ने अपनी ही कक्षा की दूसरी समुदाय की छात्रा के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वायरल वीडियो से आहत छात्रा ने दो दिन पहले जहर खा लिया। रविवार को छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाने की बात कर रही है। रुक करते हैं एक और खबर का। मेरठ में महिला की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका, दुष्कर्म की आशंका, CCTV में छिपा वारदात का राज। मेरठ के गंगानगर में एक महिला की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया। मृतक महिला के हाथों में मेहंदी लगी थी, एक पैर में पायल व दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही है। मेरठ के गंगानगर में एक महिला की हत्या कर उसके शव को रक्षापुरम डिवाइडर रोड स्थित टंकी वाले पार्क में झाड़ियों में फेंक दिया गया है। रविवार को शव बरामद हुआ तो वारदात का पता चला। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की गई। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया है। रविवार शाम कुछ लोगों ने टंकी के पार्क में महिला का शव पड़ा देखा तो शोर मच गया। महिला के दाएं हाथ पर डी लिखा था। माना जा रहा है कि उसका नाम डी से शुरू होता है। महिला ने कमीज सलवार पहनी थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, एक पैर में पायल और दोनों हाथों में चूड़ियां मिली। इससे महिला के शादीशुदा होने का अनुमान लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक शव की हालत देखकर लग रहा है कि 4-5 दिन पहले उसकी हत्या की गई है। SP देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि महिला की पहचान कराने के लिए कई थानों में
फोटो भेजे गए हैं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।